दोस्तों, अगर आप भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करके सिर्फ लॉसेस बना रहे हो तो स्टॉक्स की इस स्ट्रेटेजी को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। रेगुलरली प्रॉफिट बना के दे रही है, 95% की ज्यादा की एक्यूरेसी ये रखती है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर ने इस स्ट्रेटेजी को किया है उन्होंने दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से रेगुलरली प्रॉफिट बनाया हुआ है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। यहां पे देखिए, हर फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद इस सीक्रेट स्कैनर पे आपको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो CUB, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, दीपक नाइट्रेट। ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको पिछले फ्राइडे को दिखाए थे। देखिए, मेरा फ्राइडे का वीडियो भी है, आप जाके इसे प्ले कर सकते हो। यहां पे देखिए लिस्ट आपको दिख जाएगी, ये सारे 5 स्टॉक्स मैंने यहां पे 21 जून को आपको दिखाए थे, आप डेट भी यहां पे देख सकते हो। और उन्हीं स्टॉक्स में मैंने इस वीक में ट्रेड किया। यहां पे देखिए ICICI बैंक में कल ही ब्रेकआउट मिला था, ये देखिए यहां पे हमारी एंट्री बनी थी और आप देखिए यहां तक ये स्टॉक गया है 2.79% ट्रेड लेके, इसमें आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। जितने लोग भी ये कहते हैं कि हम लोग लाइव ट्रेड नहीं करते, उन सभी के लिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री भी बनाई और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का भी स्टॉक है, तो HDFC बैंक में भी यहाँ पे आपकी एंट्री थी और यहाँ तक मार्केट ने हाई बनाया, करीब करीब 1.92% तक ये गया है। और इसमें भी दोस्तों हम लोग ने HDFC बैंक में भी पोजिशन बनाई हुई है और CUB में भी हम लोग ने पोजिशन बनाई हुई है, आप देख सकते हो। बाकी तीनों स्टॉक जो इस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं उसमें दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला। 2 स्टॉक जो है दीपक नाइट्रेट और टेक महिंद्रा, इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो 3 स्टॉक है उसमें ब्रेकआउट मिला है, उसमें प्रॉफिट भी बना है, एंट्री भी बनी है। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वर्क होती है, कमाल की स्ट्रेटेजी है। कौन सा स्कैनर है जो हम लोग यूज करते हैं, क्यों इसकी इतनी एक्यूरेसी है और कौन सी लाइन को यहाँ पे मार्क करना है। देखिए यहाँ पे 5 स्टॉक आपके सामने है जो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क करके रखी है, इस लाइन को कैसे मार्क करना है ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आप भी दोस्तों स्टॉक्स की इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए। डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने एंट्री बनाई, किस तरीके से मैं एग्जिट करने वाला हूँ, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लेना है, स्टॉक्स कैसे मिलेंगे, सारी चीजें इन डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है विद लाइव ट्रेड एग्जांपल। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्पिक्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, दोस्तों आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग आज हमने ट्रेड को अवॉइड किया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने मॉर्निंग एनालिसिस का वीडियो हर दिन मैं पोस्ट करता हूं, आप लोगों में से कितने लोग देखते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा जो शॉर्ट्स है सुबह सुबह ही आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने मिला होगा। अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखिए SL हंटिंग एनालिसिस वीडियो, मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था इस वीडियो में, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आज किस तरीके से काम कर सकते हैं। यहां पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर आप देखोगे यहां से मार्केट में अच्छी बाइंग हुई है और ये बायर बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर अभी तक मार्केट ने उस रेंज को क्रॉस नहीं किया, यही पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन मिल जाता है, देखिए यहां पे गैप डाउन अगर मार्केट में, तो ये जो बायर है ये खतरे में आ जाएगा और इसका लॉस यहाँ पे हो सकता है। स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन मिलता है तो भी चल जाएगा, या बड़ा गैप डाउन मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। गैप अप केस में भी हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप होता है, छोटा सा गैप अप में नहीं चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप अगर होता है तो भी हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो तो मार्केट से निकल जाएगा, फिर ऊपर वैसे भी कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं रहेंगे, मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकते। आप क्लियरली सुन सकते हो मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपको। देखिए यहाँ पे छोटे से गैप अप से काम नहीं चलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलर अभी भी बैठा रहेगा मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड का नहीं सोच सकते। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा गैप डाउन होगा तो ये बायर को हम लोग टारगेट कर सकते हैं नीचे की तरफ सेलिंग साइड, बड़ा गैप अप रहेगा तो ये जो सेलर बैठा है ये मार्केट से निकल जाएगा, तो ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे, मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है इसका प्रॉफिट कम करने के लिए बायर का। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग मिला, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो सेलर था वो अभी भी बैठा रहेगा, क्योंकि ये 51,000 की साइकोलॉजिकल लेवल है, 52,000 की साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ये यहाँ पे लगा के रखेगा। डेफिनेटली इसको निकालने के लिए यहाँ पे ये और ऊपर जा सकता है, ये वेट करेगा यहाँ पे और ऊपर, और इस बाइंग को देख के और लोग मार्केट में आएंगे, क्योंकि सेलिंग भी यहाँ पे होगी और सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग होगी तो इसके बाद और मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे लेने के लिए, जो कि सेलर आएंगे रैंडम वाले। तो इसीलिए एक बार ये फ्लैट ओपन हो जाता है तो बहुत रिस्क होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि गैप अप और गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान रखना है। लेकिन ऐसे फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर 52,000 की लेवल ऊपर है तो आपको यहाँ पे पुट सेट की ट्रेड को भी
नहीं बनाना है, आप कॉल साइड में एक और रिस्क ले सकते हो ये जो सेलर यहाँ पे बैठा है इसके स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए। दोस्तों देखिए एसएल हंटिंग को अगर आप सीखना चाहते हो, ये जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये नॉलेज अगर आप लेना चाहते हो तो ये अवेलेबल है। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, सुबह सुबह मैं यहाँ पे लेवल्स आपको पोस्ट करता हूँ बिल्कुल फ्री, इनसे भी आप सीख सकते हो जो लेवल्स मैं यहाँ पे देता हूँ। साथ ही साथ आपको देखिए ट्रेडस्पिन्स के यूट्यूब चैनल पे जाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रेडस्पिन्स का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, इस ज्वाइन बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही ज्वाइन बटन को प्रेस करोगे आप ट्रेडस्पिन्स के प्रीमियम मेंबर बनोगे, उसके बाद आपको नीचे मेंबर ओनली वीडियोस में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एसएल हंटिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा। देखिए एसएल हंटिंग कोर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये सारा का सारा नॉलेज इन पूरे वीडियोस में आपके लिए मैंने दिया हुआ है, एक ही बार सिखाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम्पल के लाइव ट्रेड्स पे जो लाइव ट्रेड में मार्केट में लेता हूँ ये सारे यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये पूरा कॉन्टेंट आप एक्सेस कर सकते हो, बस ट्रेडस्पिन्स का प्रीमियम मेंबर आपको बनना पड़ेगा, ज्वाइन बटन आपको यहाँ से दबा के प्रीमियम मेंबर आप बन सकते हो। अब देखिए दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी की तरफ आगे जाते हैं, जो स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी आज हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसका पहले तो देखिए इसका भी प्रूफ देखिए, सब चीज का प्रूफ पहले होना चाहिए तब जाके आपको आइडिया आ जाएगी कि मार्केट में आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए ये आप डेट देख सकते हो, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, कौन सी डेट है, 21 जून है, देख सकते हो 21 जून, यहाँ पे देखिए 21 जून को मैंने ये वीडियो बनाया था, इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है, तो देखिए ये वीकली कैंडल है, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा है, ये वीकली कैंडल है, इसका हाई मार्क करके लेना है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का भी मैंने मार्क किया, सीयूबी का मैंने, दीपक नाइट्रेट का भी किया। अभी आपको दिक्कत होगी सर ये ब्रेकआउट होता है तो मंडे के दिन कोई ऐसी चीज होगी कि आपको पता चल जाए कि ब्रेकआउट हो गया, कैसे हम लोग ध्यान रखें सर? देखिए यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो आपको फायदा क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, उसको मुझे कोई इसमें फायदा नहीं है। यहाँ पे प्लस का बटन है, इस लेवल पे आपको मार्क करना है एड अलर्ट एड टू। अब मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करता, मैं आपको सीधा स्ट्रेटजी के बताता हूं। देखिए ये मैं क्यों दिखा रहा था कि फ्राइडे के दिन मैंने ये सारा नॉलेज आपको दिया था कि आप ट्रेडिंग व्यू से, ये जो ट्रेडिंग व्यू का आपका अकाउंट है, देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, इस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट से मैं यहाँ पे अलर्ट सेट करके रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन स्टॉक्स में अलर्ट सेट करके रखी थी, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, टेक महिंद्रा का अभी तक अचीव नहीं हुआ है, हिट ही नहीं हुआ है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मंडे को ही हिट हो गया था, देखिए तो यहाँ पे हम लोग ने एंट्री बना ली। एचडीएफसी बैंक का आज हिट हुआ तो इसमें हम लोग ने एंट्री बना ली, और सिटी यूनियन बैंक करके जो स्टॉक है इसमें देखिए इसमें भी एंट्री ट्रिगर हुई थी तो इसमें एंट्री बना ली। दीपक नाइट्रेट में भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ तो एंट्री नहीं बनाई। तो देखिए 3 स्टॉक्स में एंट्री बनी, 2 में नहीं बनी, तीनों का रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये स्टॉक्स आपको फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद मिल जाते हैं सीक्रेट स्कैनर पे, मैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा। पहले देखिए आपको देखना पड़ेगा कि एंट्री कैसे बनानी है, इंट्राडे की जो एंट्री है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप ले रहे हो या इंट्राडे के लिए आप कर रहे हो, दोनों भी चीजें आप इस स्ट्रेटेजी में कर सकते हो। स्टॉक तो आपको मिल गया, लाइन भी आपको मिल गया, अब कैसे करना है? देखिए सबसे पहले आपको फ्राइडे के दिन, मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे के दिन इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आना है। इसकी लिंक कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं, अभी भागिए मत, जाके उस लिंक को लेके आप कुछ नहीं करोगे, पहले समझिए स्ट्रेटेजी क्या है। इस स्क्रीनर पे आने के बाद आपको फ्राइडे को ये लिस्ट मिल जाएगी, ओके, मार्केट बंद होने के बाद। तो इन स्टॉक्स को ट्रेडिंग व्यू में लेना है, ट्रेडिंग व्यू में लेने के बाद यहाँ पे ऊपर 1 वीक का टाइम फ्रेम करना है, कितना करना है, 1 वीक, ये देखिए 1W ये दबाना है, 1 वीक हो गया। और जो कैंडल, जो वीकली होगा ना, वीकली जो कैंडल होगी उसका हाई आपको मार्क करके लेना है, वीकली कैंडल जो भी बनी होगी उसका हाई। जैसे देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा है, मैंने टेक महिंद्रा की ये वीकली कैंडल बनी है इसका हाई मार्क करके लिया। आईसीआईसीआई बैंक की जो कैंडल बनी है देखिए ये वाली, इसका हाई मार्क करके लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये कैंडल वीकली बनी है, मैंने इसका हाई यहाँ पे मार्क किया था। फिर एचडीएफसी बैंक है, इसका भी वीकली है, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था। सिटी यूनियन बैंक है, इसका भी वीकली है, इस कैंडल का मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया था। और दीपक नाइट्रेट का मैंने यहाँ पे वीकली है मार्क कर लिया था। अब देखिए एंट्री कैसे बनानी है, मंडे को बैठ जाना है, मंडे को आपको ये जो भी जितने भी स्टॉक्स मिलते हैं आपको यहाँ पे अलर्ट अगर आपने लगा के रखा है, प्रीमियम अगर आपके पास है तो अलर्ट लगाएंगे तो फायदा होता है, अलर्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है कि क्रॉसिंग कर दिया, तो आप ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन अलर्ट लगा के रखो तो फायदा होता है। जैसे यहाँ से देखिए मैं अलर्ट लगा सकता हूँ और आज भी मुझे अलर्ट से बहुत फायदा हो गया। यहाँ पे आपको एक मैं दिखाना भी चाहूंगा कि अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो ईमेल अकाउंट कनेक्टेड रहेगा ट्रेडिंग में, आपको ईमेल में भी अलर्ट आ जाता है। अब देखिए
जैसे ही ICICI बैंक में अलर्ट आ गया, मैंने सीधा इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया। ये देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने इसको ओपन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हाई था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी कैंडल क्लोजिंग दे दी, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, राइट, ये देखिए इस लेवल के ऊपर मंडे को आप देख सकते हो 9:20 पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो आपको सिंपली इसका हाई ब्रेक होने पे एंट्री, तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री बना दी और मेरा स्टॉप लॉस देख सकते हो आप, मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूँ, मैंने इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है, मैं इसमें एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे लेना चाहता हूँ क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने लिया है। आप इंट्राडे भी कर सकते हो, इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट बना था। अगर आप कल इसको लेते थे तो हो सकता है आपको ICICI बैंक में लॉस ही नहीं हुआ है, कल भी इसने जो क्लोजिंग किया तो आप देख सकते हो जहाँ पे एंट्री बनी है वहीं पे क्लोज किया, तो कल आप कॉस्ट टू कॉस्ट थे। और आज अगर फिर से तो ब्रेकआउट पे अगर आप इसमें एंट्री बनाते थे, क्योंकि इसने हाई का तो आज भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते थे 25 तारीख को, देखिए तो यहाँ पे इसको कितना प्रॉफिट दिया आपको एक दिन में, यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 2.76% का प्रॉफिट दिया। तो मैंने तो होल्ड किया है और अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो इसमें एक्सपेक्टेड कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आपके आपके रिस्क के ऊपर। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है, अब मैं टारगेट रख रहा हूँ करीब करीब, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है तो मेरा रिस्क जो है, मैंने जैसे आपको क्या कहा कि ये देखिए ये मेरा SL रहेगा, इसमें जो SL है वो मेरा कितना रहेगा, यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद मैं करीब करीब 3% का रिस्क स्टॉक पे ले रहा हूँ, 3-4% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा रिवॉर्ड भी है, मैं करीब करीब यहाँ पे 5-6% का रिवॉर्ड लेने को देख रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे मेरे टारगेट के नज़दीक दिखेगा मैं स्टॉक से एग्जिट ले लूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट आप कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे हो गया ICICI बैंक का, ओके, और इसमें आप ट्रेड भी देख सकते हो। देखिए मैंने ट्रेड भी यहाँ पे लिया था, ये ट्रेड है, आप इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। देखिए 50 पॉइंट भी मैंने ली थी यहाँ पे, और एवरेज प्राइस आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने है। देखिए और MTF की मदद से लेते हैं, अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप भी धन का अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फायदा ये है कि ये जो भी स्टॉक मैंने लिए है मैंने MTF की मदद से लिया है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा पोर्टफोलियो में, देखिए यहाँ पे MTF आपको दिख जाएगा, ये MTF की मदद से मैंने स्टॉक को लिया है, जिसमें मुझे MTF का मतलब क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फंड मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ICICI बैंक में मुझे बाय करना है, देखिए अगर मैं इसको बाय करने जाऊंगा तो मुझे वैसे तो कितनी क्वांटिटी मैंने ली है, 50 क्वांटिटी ली है, राइट। तो देखिए 50 क्वांटिटी के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे 59,900 मुझे लगेंगे, राइट। लेकिन क्योंकि मैं MTF की मदद से ले रहा हूँ तो मुझे कितने लगेंगे यहाँ पे, आप खुद देखिए मुझे यहाँ पे 4x का लेवरेज मिल रहा है, 4x। तो मुझे यहाँ पे एक स्टॉक की जो प्राइस है वो यहाँ पे सिर्फ 299 लग रही है, 299, मतलब मेरा कितना यहाँ पे पैसा लगेगा आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितना पैसा लगेगा, 299 × 50 स्टॉक, ये देखिए 50 स्टॉक, 14,950 में मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, 4x तक का मार्जिन मुझे ICICI बैंक में मिल रहा है। तो ये MTF का फायदा, अगर आपके पास MTF और इसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो डेली के 0.04% पर देता है, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो भी आप MTF का फायदा लेके इस स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो आज भी HDFC बैंक में हम लोग MTF लिया, देखिए MTF आप देख सकते हो। वैसे तो अगर आप HDFC बैंक को बाय करने जाओगे तो आपको कितना पैसा लगेगा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप HDFC बैंक को यहाँ पे बाय करने जाओगे, ओके, देखिए HDFC बैंक अगर आप इसको बाय कर दो, देखिए इन्वेस्टिंग करने जाओगे कितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है, 18 क्वांटिटी, राइट। तो देखिए 18 क्वांटिटी अगर आप लेने जाओगे इन्वेस्टिंग के लिए तो 30,000 आपको लगेंगे। अब मैंने MTF में मुझे कितने लगे हैं, मुझे 4x तक का मार्जिन मिला है, मतलब 427 रुपीज़ में मुझे एक स्टॉक पड़ रहा है, 427, मतलब मुझे यहाँ पे कितना मिले, कितना चाहिए, सिर्फ 7,700 रुपये मुझे चाहिए, सिर्फ 7,700 रुपये में मुझे 18 क्वांटिटी यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ये धन में इस चीज़ का फायदा कर सकते हो। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप धन का अकाउंट ओपन कर सकते हो, ओके। चलिए अभी मैं ये देखिए 14,900 में ICICI की मेरी यहाँ पे 58,000 की जगह मुझे सिर्फ यहाँ पे 14,900 रुपये लगे हैं ICICI बैंक में। अब देखिए ये तो हो गया, एंट्री आपने बना ली, HDFC बैंक का भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई है, एंट्री बनाने के बाद देखिए स्टॉक रॉकेट बन गया है, यहाँ पे भी देखिए एंट्री बनाने के बाद स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर चले गया है। ये मोमेंटम आपको क्यों मिलती है क्योंकि देखिए यहाँ पे
अब देखिए ये मोमेंटम आपको क्यों मिलती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्क्रीनर में कुछ कंडीशंस मीट होने के बाद स्क्रीनर में स्टॉक्स आपको दिखते हैं और उसके बाद दोस्तों स्टॉक्स में गजब सा मोमेंट आप देख सकते हो। अब देखिए ये तो आपको मैंने दो स्टॉक में दिखा दिया, लेकिन उसके पिछले पे भी डेटा आप देख सकते हो। पिछला डेटा आपको कैसे देखना है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1 वीक एगो मैंने किया हुआ है। अगर आप इस हफ्ते का देखना चाहो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस हफ्ते का अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी देख के कोई फायदा नहीं है। अभी अगर आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए अभी मैं स्टॉक अगर करता हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे रन स्कैन करना है, तो देखिए अभी के इसमें अपोलो टायर्स है, डॉक्टर लालपत है, UPL लिमिटेड। लेकिन इन स्टॉक्स में आप कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको फ्राइडे को या सैटरडे को ये स्टॉक्स को लिस्ट पे जाना है और मंडे को उसमें ट्रेडिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी वीडियो मैं बता रहा हूँ या स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी ये स्ट्रैटेजी समझ में आए, स्ट्रैटेजी को समझिए। डायरेक्टली जाके आपको पूरा कैपिटल इसमें नहीं लगाना है, या आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। नुकसान अगर आपको होता है फिर से आके मत बताइए सर मैंने ट्रेड किया नुकसान हो गया। भाई एक बार दो बार हो सकता है नुकसान, दे भी दे, ऐसा नहीं कि 100 में से अगर कोई स्ट्रेटेजी 10 बार फेल होती है, 20 बार फेल होती है, तो भी वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि 80 बार आपको प्रॉफिट करके देंगे। तो आपको एक्यूरेसी देखनी है, और जाके डायरेक्टली लाइव मार्केट में करने से पहले आप एक क्वांटिटी से करो लाइव मार्केट में, या वर्चुअल ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, वो भी सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको और भी बैक टेस्टिंग करना है, यहाँ पे बैक टेस्टिंग करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 साल तक का बैक टेस्टिंग अवेलेबल है, 3 इयर्स तक का बैक टेस्टिंग आप इस स्क्रीनर पे कर सकते हो। डाउनलोड CS में अगर आप करते हो तो देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है, एक्सेल फाइल, जिसमें आपको पूरा डेटा देखिए यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए पूरा 2021 से लेके अब तक का डेटा आपको मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 24 तारीख को 3 स्टॉक, 18 तारीख को देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया 18 जून को HDFC बैंक दीपक नाइट्रेट जो आपके सामने, देखिए ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता। 10 तारीख को आप देख सकते हो कौन से स्टॉक थे, देखिए 10 तारीख को बहुत ज़्यादा स्टॉक थे, आप देख सकते हो कि 10 तारीख वाले स्टॉक थे, तो उनमें भी आप देख लीजिए किस तरीके से मोमेंटम आया था। ओके देखिए 10 तारीख को बलरामपुर चीनी, BPCL, कैनफिन होम, श्रीराम फाइनेंस, तो देखिए 10 तारीख के स्टॉक्स में देखेंगे पिछले बार वाले स्टॉक्स को, देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट बना के रखी, तो देखिए यहाँ पे जो 10 तारीख वाले स्टॉक है, ओके यहाँ पे 10 तारीख को दिख रहे हैं मतलब मंडे को, तो उसके पिछला है मतलब यहाँ पे फ्राइडे 7th को, क्योंकि 7th वाला हफ्ते में जा रहा है। यहाँ पे देखिए 7th वाले हफ्ते में अगर आप देखोगे, ये है 7th वाला हफ्ता, ओके यहाँ पे देखिए एक बार 7th को फ्राइडे को यहाँ पे अपडेट हो जाए, और 10th को देखिए 10th को आपको उस लिस्ट में दिखे, तो OFSS करके है, ओके OFSS को आप देख सकते हो 10th को। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे गया 7th जून और 7th जून को यहाँ पे, तो 10th जून को मंडे को देखिए 10th जून को स्टार्ट हो रहा है, तो 7th जून को देखिए 10th जून को ये वीक स्टार्ट हो रहा है, और 7th जून मतलब 3rd जून को ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये लाइन मार्क के आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट आपको मिला है, ये खुद देखिए यहाँ से यहाँ तक करीब करीब आपको मिला है 16%, OFSS में 16% ये ऊपर गया है। यही चीज़ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ICICI बैंक में और HDFC बैंक में और CUB में। अब सिप्ला में देखिए, सिप्ला में भी आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए लाइन मार्क करके रखी थी, ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 4.36% का दिया हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट में आप देख सकते हो ये वाली लाइन है, देखिए ये 7 तारीख को शुरू हुआ है हफ्ता, 10 तारीख को सॉरी यहाँ पे शुरू हुआ है हफ्ता, और यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब 7.29% दिया हुआ है इस वीक में। यहाँ पे भी आप ट्रेड बनाते थे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होता था। गुजरात गैस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका वीक शुरू हो रहा है और देखिए करीब करीब 9.82%, और इतने सारे स्टॉक्स आपको मिले हैं। आप देखिए यहाँ पे तो 2 ही स्टॉक्स में हमारे मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे स्टॉक्स में आपको मिला है। देखिए इंडियन होटल में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इंडियन होटल में तो बहुत बड़ी तेजी आई है, आप देख सकते हो कितना परसेंट ये ऊपर गया है, जबरदस्त ऊपर गया, देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब देखिए कहाँ से गया, सॉरी ये वाला 10 जून ये वाला है, और 3rd जून देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब इसने 11% का रिटर्न आपको दिया होता था। सोच के देखिए ये है 7th जून का पिछले हफ्ते का, ओके पिछले हफ्ते का। अब देखिए यहाँ पे वो लिस्ट ये वाली, ये देखिए यहाँ पे उसके पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ये वाले राइट 3 तारीख के, देखिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये हो गए 7th, अब 14th वाले जो 14th
फ्राइडे को देखिए 14th, तो 14th वालों को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 14th का भी सेव करके रखा है, 14th जून वाले हैं। और 14th जून वाले जो है, 14th जून वो उनका वीक स्टार्ट होता है 17th जून को, 17th जून को स्टार्ट होता है। मतलब देखिए 17th को तो छुट्टी थी, तो 18th जून को पकड़ लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक्स है कैनफिन होम्स, देखिए कैनफिन होम्स इसमें आप देख सकते हो ये है 18th जून से शुरू हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकिन यहाँ तक करीब करीब आपको 8.50% मिले हैं। उसके बाद देखिए बैक टू बैक दो हफ्तों का आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी ये कौन सा है, GMR एयरपोर्ट से इंफ्रा करके, तो यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है। इस वीक में देखिए इसमें 6.54% का अभी तक हाई दिया हुआ है। श्रीराम फाइनेंस करके स्टॉक है, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है। यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब देख सकते हो अभी आपको 9.9% दिया। मतलब आज भी इसमें तेजी बनी हुई थी। मैं 5 मिनट्स के चार्ट में लेके जाता हूँ। देखिए श्रीराम फाइनेंस आप खुद देख सकते हो, आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते थे। देखिए आप खुद देखिए, जब से इसने अपनी ये लक्ष्मण रेखा को ब्रेक किया है, जो लाइन को पार किया है, देखिए मंडे को 18 तारीख को इसने लाइन को ब्रेक किया है, तब से लेके ये रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर गया, 9% ऊपर गया श्रीराम फाइनेंस। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टॉक्स वर्क होते हैं, ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त तरीके से रॉकेट की स्पीड से स्टॉक भागता है। जैसे अगर आपको एंट्री मिलती है आप खुद इसको बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो किस तरीके से। देखिए अगर आपको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लाइन मार्क करके लेनी है, फिर 5 मिनट पे, मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे मंडे को अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्यूजडे को करनी है, जब भी ब्रेकआउट मिलता है तब करनी है, तो मैं क्या करूँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। ओके, और 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है उसका हाई मार्क करके ले लूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका हाई मार्क करके ले लिया, और जैसे ही 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग देगी उसका हाई ब्रेक होता है तो मैं एंट्री बना लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो देखिए स्टॉप लॉस के लिए आपको थोड़ा बहुत, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए इस कैंडल का, जो कैंडल पे मैं एंट्री बना रहा हूँ उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा दिया 1.29%, और मान लीजिए मेरी क्वांटिटी यहाँ पे है 1 लाख रुपीज का है, 1 लाख पे 1.29% मतलब मुझे करीब करीब 1200-1300 के आसपास लॉस होगा। और मैं टारगेट लेने की कोशिश करूंगा कम से कम यहाँ पे उससे डबल या 1:1.5 का। तो आप देखिए आपको उस पर्टिकुलर डे के दिन कितना मिला है, यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर इंट्राडे के ट्रेडिंग में आप देखोगे तो आपको 2.59% मिला है, मतलब 2500 रुपये। अगर रिस्क कर रहे हो 1200 रुपये का, तो आपको 2500 का प्रॉफिट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंट्राडे स्ट्रैटेजी में मिला होता था। राइट, रिस्क रिवॉर्ड सही से बेटर है, डबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड डबल मिल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सही है। अगर होल्ड भी करते थे तो आप देखिए यहाँ पे ये ऊपर ही गया हुआ है। देखिए कितना यहाँ पे, ये देखिए अभी अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, जैसे कि ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने बता दिया, लेकिन जैसे कि मैंने इसमें होल्ड कर रहा हूँ पोजिशन, तो देखिए अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिनट के हिसाब से देखना पड़ेगा, 15 मिनट के हिसाब से एंट्री बनानी है। देखिए 15 मिनट के हिसाब से एंट्री मेरी बनती है एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है 15 मिनट की, जो कैंडल बनती है उसका हाई मार्क करना है, फिर वो ब्रेकआउट पे एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस आपको देखिए कैंडल के लो पे भी अगर आप रखते हो और थोड़ा सा इसमें कुछ दिन तक पोजिशन होल्ड करते हो एज अ स्विंग ट्रेडर, तो आप देखिए आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। देखिए स्टॉक रॉकेट की तेजी से, जो पिछले कुछ दिनों में भी नहीं हुआ होगा वो इन कुछ दिनों में हो जाता है स्टॉक्स में, 8.27% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बना है। मतलब 1 लाख रुपए का कैपिटल अगर आप लगाते थे तो करीब करीब आपको 8000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे बनता था, 8000 तक का प्रॉफिट। आप खुद देखिए, मैं प्रॉफिट देख के आपको कोई भी यहाँ पे टेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रियलिटी दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वर्क होती है। अभी मैं भी देखिए, मैंने तो ऑलरेडी आपके सामने पोजिशन बनाई हुई है और इसीलिए लाइव करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं बनाई है, सिर्फ आपको करने के लिए बता रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। हो सकता है लॉस भी हो जाए, मुझे भी लॉस हो सकता है, आज प्रॉफिट दिख रहा है कल नीचे भी चले जाए, मार्केट अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ इस ट्रेड को प्लान करना है। देखिए पूरी स्ट्रैटेजी को समराइज में अगर करता हूँ तो इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप वीकली भी कर सकते हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। जैसे ही वीकली लाइन, जो वीकली लाइन हम लोग मार्क करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको फ्राइडे के दिन मिलते हैं आपको उसमें एक वीकली लाइन मार्क करनी है, और मंडे के दिन
एक भाई साहब का सवाल था कि सर मंडे को ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है तो क्या करें, वेडनेसडे को मिलता है तो क्या करें, तो जिस भी दिन मिलता है उस दिन एंट्री बढ़ानी है, पूरे हफ्ते के लिए आपको इसी स्टॉक्स में ट्रेड करना है और कोई स्टॉक्स आपको नहीं देखने, और जैसे ही फ्राइडे आता है मार्केट खत्म होता है आपको नए स्टॉक्स फिर से इस लिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे चुनना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये स्कैनर आपको दिया हुआ है ट्रेडस्पिक्स के नाम से, आपको मिल जाएगा नीचे, जिसमें आपको सिंपली क्या करना है, दो ऑप्शन, एक तो फ्यूचर के स्टॉक्स लेने हैं या तो निफ्टी 50 के लेने हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगर निफ्टी 50 में कभी कभी आपको कोई स्टॉक्स नहीं मिलेंगे तो आप यहाँ पे फ्यूचर कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर करेंगे निफ्टी 50 के स्टॉक भी अच्छे होते हैं, फ्यूचर के स्टॉक भी आपको अच्छे, जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉक्स है तो अपोलो टायर्स है, लालपथ UPL है, ये फ्राइडे नहीं है, आज फ्राइडे नहीं है इसलिए मैं इन स्टॉक्स को ऐड नहीं करूंगा, लेकिन जब भी फ्राइडे होगा तो डेफिनेटली आपको देखना है कि फ्राइडे के दिन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे आते हैं। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी बहुत लोगों के रिस्पॉन्सेस मुझे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे एल्गो स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एल्गो स्ट्रैटेजी में एक अच्छा यहाँ पे सेटअप बनाए हैं, तो वो सेटअप अगर आप चाहते हो, नीचे एल्गो के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे आई वॉन्ट दिस एल्गो स्ट्रैटेजी करके, तो हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आने की वजह से यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम हमारे साइड से हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।